हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। मैं हूं सुरभि और आज हम बात करेंगे डॉग ब्रीड पैपियन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका ओरिजिन बेल्जियम फ्रांस में हुआ था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टॉय स्पैनल ब्रीड है और इसका नाम जो है वो इसके ईयर से पड़ा है, क्योंकि फ्रेंच में बटरफ्लाई को पैपियन कहते हैं और इसके जो ईयर्स हैं वो बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट डॉग ब्रीड होती है छोटे साइज़ के अंदर। ये समझ लीजिए कि ये इसके अंदर एक बड़ा एक्टिव डॉग ब्रीड भी है लेकिन इसका साइज़ छोटा है। तो अगर आप काफ़ी एक्टिव डॉग ब्रीड पालना चाहते हैं लेकिन आप छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं तो पैपियन आपके लिए बेस्ट है। ये मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड्स के अंदर 8 रैंक में आता है, टॉप 10 में से। इसके फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो उनका हेड जो होता है वो स्लाइटली राउंड होता है और इसकी मजल जो होती है वो मीडियम साइज़ की होती है। इसकी जो आईज़ होती हैं वो इसके फेस के हिसाब से बड़ी होती हैं और आलमंड शेप की होती है और डार्क कलर की होती है। इसके कोट के कलर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ज़्यादा ब्लैक कलर होगा तो ब्लैक आईज़ होंगी और ज़्यादा ब्राउन या गोल्डनिश कलर होगा तो ब्राउन या डार्क ब्राउन आईज़ होगी। इसके जो पिगमेंटेशन होता है आईज़ के पास, जिसको हम रिम भी कहते हैं, वो एकदम डार्क कलर का होता है और अलग से दिखता है। इसके जो ईयर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं और नीचे की तरफ भी हो सकते हैं और इसके ईयर्स के आसपास काफ़ी सादा बाल होते हैं जिससे ये बटरफ्लाई लुक देते हैं। पैपियन के पॉज जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और ये हमेशा स्ट्रेट खड़े होते हैं। इनकी जो टेल होती है वो ऊपर की तरफ होती है और उस पर भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और एकदम फ्लफी सी टेल लगती है और एकदम इसकी जो टेल होती है वो बैक को टच करती है हमेशा। बात करें पैपियन के कोट कलर की तो पैपियन बहुत सारे कोट कलर में पाए जाते हैं लेकिन हमेशा इनके अंदर वाइट कलर ज़रूर होता है, जिसको हम मार्किंग कहते हैं, वाइट कलर। और साथ में इनके फेस पे जो इनकी आईज़ और ईयर्स को कवर करते हुए दूसरा कलर होगा, जैसे ब्लैक, रेड, ब्राउन, गोल्डन, कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन कभी भी पूरा वाइट नहीं होगा, कभी भी पूरा तरीके से दूसरा कलर नहीं होगा, मतलब वाइट कलर ज़रूर मिक्स होगा और पूरा वाइट भी नहीं होगा। उनके ग्रूमिंग नीड्स की बात करें तो पैपियन सीजनल शेड करते हैं बाकी डॉग्स की तरह ही, लेकिन ये इजीली क्लीन हो जाते हैं क्योंकि इनका जो कोट होता है वो बहुत ही सिल्की होता है और वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है और हमेशा स्ट्रेट रहता है। तो अगर आप इनको वीक में एक दो बार ब्रश करेंगे तो ये बहुत ही मतलब ईजी टू मेनटेन है ग्रूमिंग में। उनके ट्रेनिंग और बिहेवियर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 8 नंबर पे मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में आता है, तो इसको ट्रेनिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और इसको भागना कूदना खेलना ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही इजी होता है ये ट्रेनिंग में, कोई भी इन्हें आराम से ट्रेनिंग करा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इनको ट्रेनिंग ठीक से नहीं कराएंगे या ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बार्किंग की प्रॉब्लम इनके अंदर देखी गई है कभी कभी, नहीं तो ये बहुत ही फ्रेंडली डॉग ब्रीड है। लेकिन बहुत ज़्यादा गोल्डन रिट्रीवर टाइप फ्रेंडली भी नहीं है, थोड़े वॉच डॉग टाइप भी हैं, तो ये अच्छे वॉच डॉग हो सकते हैं। लेकिन अगर इनके बात करी जाए एक्सरसाइज की तो इनको काफ़ी एक्सरसाइज चाहिए होती है क्योंकि ये छोटे डॉग तो होते हैं साइज़ में लेकिन इनका जो माइंड है, इनका जो हार्ट है वो बड़े ब्रीड जैसा ही है, तो इनको बिल्कुल ही बड़े ब्रीड की तरह बाहर खेलना कूदना वॉक करना ये सब पसंद होता है। तो अगर आप, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एक्टिव पर्सन है लेकिन आपको एक छोटा डॉग चाहिए तो पैपियन आपके लिए बेस्ट डॉग है। और पैपियन को सोशलाइज करना छोटी एज से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक अच्छे वॉच डॉग हैं और गार्ड डॉग भी हो सकते हैं, लेकिन सब भी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पैपियन अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं क्योंकि स्ट्रेंजर से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये बाइटिंग वगैरह भी नहीं करते हैं जब तक इनको बहुत ज़्यादा तंग ना किया जाए या फिर इनके अंदर एग्रेशन शुरू से ना हो, जो कि सोशलाइजेशन की कमी की वजह से होता है मोस्टली। उनकी हेल्थ की बात की जाए तो ये जनरली काफ़ी हेल्दी डॉग हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जीते हैं, 13 से 15 ईयर्स इनके अंदर देखा गया है। बाकी इनको थोड़ी बहुत सेपरेशन एंग्जाइटी या फिर ग्रूमिंग से संबंधित प्रॉब्लम जैसे कि ईयर्स इन्फेक्शन या आई इन्फेक्शन या फिर नॉर्मल बैक्टीरिया इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि नॉर्मली हर डॉग के अंदर हो सकता है अगर वैक्सीनेशन टाइम पे ना हो या फिर न्यूट्रिशनल डाइट पूरी ना मिले या एक्सरसाइज ना हो प्रॉपर। जनरली ये काफ़ी हेल्दी डॉग ब्रीड है, लेकिन हाँ जैसे कि एक छोटी ब्रीड है तो इनके अंदर डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और भी किया जाए पैपियन का तो जनरली ये बहुत हेल्दी, हैप्पी, इंजॉयफुल डॉग ब्रीड है और इनको सब लोग अच्छे लगते हैं। ये दूसरे पेट्स के साथ भी अच्छे से रहते हैं, बच्चों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, अपार्टमेंट में, हर जगह ये अच्छे से रह लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये बिल्कुल भी लेजी नहीं है, बल्कि अपोजिट है, ये बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड है और अगर इनको प्रॉपर एक्टिविटी नहीं मिलेगी तो फिर इनके अंदर थोड़ा बहुत एग्रेशन या फिर और भी थोड़ा सा जेलेसी, ऐसे प्रॉब्लम देखी जा सकती हैं, जो कि मैंने देखा है कि जनरली छोटे ब्रीड्स में जल्दी आ जाती हैं बड़े ब्रीड से ज़्यादा।
तो अगर आप इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, सोशलाइजेशन नहीं कराएंगे, तो इनके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर प्रॉपर एक्टिविटी नहीं देंगे तो। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड है हर उस बंदे के लिए जो एक्टिव है लेकिन एक छोटी ब्रीड रखना चाहता है। आज का क्विज क्वेश्चन ये है कि पेपियन को बटरफ्लाई डॉग के साथ साथ एक और नाम से जाना जाता है, तो वो नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लेना, वहाँ रोज़ अच्छी अच्छी पोस्ट हम डालते रहते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।